Today we will start with last problem of petty cash book. Petty cash book topic का problem number 4. This is the last problem. Prepare analytical petty cash book under impress system for the month of April 2003. Prepare analytical petty cash book under impress system for the month of April 2003. तो title जो है, title दिया है analytical petty cash book. Analytical petty cash book under impress system. Date column जो है, date column में पहले year लिखा है 2003, month लिखा हुआ है April. First transaction, date 1. Drew from bank ₹500 for petty expenses. First transaction, drew from bank ₹500 for petty expenses. यहाँ पे underline the word drew from bank. Underline करना है drew from bank. तो date column में date 1. Particular column में है 2. Bank account. So in this problem, balance of the petty cash is not given. In this problem, balance of petty cash is not given. So directly the sum will start with 2 bank account. Amount in the receipt column, 500. Next transaction, date 3. Purchased a plastic tray for office ₹24. So date column, date 3, particulars column में buy, purchase a plastic tray. Miscellaneous expenses. इसको आप sundry expenses भी लिख सकते हो. Either you write miscellaneous expenses or you can write sundry expenses. Miscellaneous. इसका spelling है MISCELLANEOUS. Miscellaneous का spelling जो है MISCELLANEOUS. Miscellaneous expenses. तो right hand side पे first column miscellaneous expenses, उस column में amount लिखना है आपको 24. Next transaction है date 4. Taxi fare to sales manager ₹46. तो date 4 by taxi fare to sales manager amount 46. Take 4 by taxi fare to sales manager. Taxi fare के लिए आपको right hand page में second column करना है. ये column का title है conveyance. Conveyance column. Taxi fare के लिए column है conveyance. Amount 46. Taxi fare to sales manager. इसके लिए column क्या है? Conveyance column. Conveyance का meaning है traveling expenses. Conveyance means traveling expenses. Next transaction है date 7.
Date 7, telegram to Bombay branch, rupees 18. So date 7, by telegram to Bombay branch, amount 18. टेलीग्राम टू बॉम्बे ब्रांच अमाउंट इज 18. टेलीग्राम के लिए आपको राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम करना है. कॉलम का टाइटल है पोस्टेज एंड टेलीग्राम. पोस्टेज एंड टेलीग्राम तो टेलीग्राम टू बॉम्बे ब्रांच राइट हैंड पेज का जो थर्ड कॉलम है थर्ड कॉलम का टाइटल है पोस्टल एंड टेलीग्राम कॉलम. अमाउंट है रुपीज 18. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 8, पेड कूली चार्जेस रुपीज 36. तो डेट कॉलम है डेट 8 बाय कूली चार्जेस. कूली चार्जेस अमाउंट है 36. कूली चार्जेस के लिए आपको राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम करना है. इसका टाइटल है कैरिज एंड कार्टेज. कैरिज एंड कार्टेज कॉलम तो पेड कूली चार्जेस. तो कूली चार्जेस के लिए कॉलम किया हुआ है कैरिज एंड कार्टेज. तो इस कॉलम के अंदर आपको ये अमाउंट लिखना है 36. नेक्स्ट है डेट 13, पेड फॉर सेफ्टी पिन बॉक्स रुपीज 10. तो डेट 13 बाय सेफ्टी पिन बॉक्स. डेट 13 बाय सेफ्टी पिन बॉक्स. सेफ्टी पिन बॉक्स के लिए कॉल रुपीज 10. सेफ्टी पिन बॉक्स इसका जो अमाउंट है राइट हैंड पेज का जो फर्स्ट कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस. सेफ्टी पिन बॉक्स इसका अमाउंट आपको लिखना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में लिखना है. तो राइट हैंड पेज का आपका पहला कॉलम है फर्स्ट कॉलम मिसलेनियस एक्सपेंसेस. उस कॉलम के अंदर आपको लिखना है 10 रुपीज फॉर सेफ्टी पिन बॉक्स. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है डेट 17, पेड रेलवे फ्रेट रुपीज 24. तो डेट 17 बाय रेलवे फ्रेट. रेलवे फ्रेट का अमाउंट है 24. रेलवे फ्रेट का जो अमाउंट है ये राइट हैंड पेज पे नेक्स्ट कॉलम लिखना है. ये कॉलम का टाइटल देना है फ्रेट. रेलवे फ्रेट के लिए आपको सेपरेट कॉलम करना है. कॉलम का टाइटल है फ्रेट कॉलम. तो बाय रेलवे फ्रेट रुपीज 24 कॉलम किया हुआ है फ्रेट कॉलम. तो फ्रेट कॉलम में अमाउंट है 24. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 18, टीएम ब्रेकफास्ट टू ट्रैवलिंग सेल्समैन. तो डेट 18 बाय टी एंड ब्रेकफास्ट. टू ट्रैवलिंग सेल्समैन टी एंड ब्रेकफास्ट टू ट्रैवलिंग सेल्समैन अमाउंट है रुपीज 30. तो टी एंड ब्रेकफास्ट टू ट्रैवलिंग सेल्समैन इसका जो अमाउंट है ये 30 रुपीज आपको राइट हैंड पेज के पहले कॉलम में लिखना है मिसलेनियस एक्सपेंसेस.
एंड ब्रेकफास्ट, इसका अमाउंट आपको लिखना है। राइट हैंड पेज का जो फर्स्ट कॉलम है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में लिखना है 30 रुपीज। नेक्स्ट है डेट 20, मैरिज प्रेजेंट टू ऑफिस क्लर्क। तो डेट 20 बाय मैरिज प्रेजेंट टू ऑफिस क्लर्क। तो मैरिज प्रेजेंट टू ऑफिस क्लर्क अमाउंट है 50 रुपीज। मैरिज प्रेजेंट, इसके लिए आपको राइट हैंड पेज का जो फर्स्ट कॉलम है, अगेन मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम, मैरिज प्रेजेंट टू ऑफिस क्लर्क अमाउंट आपको लिखना है। राइट हैंड पेज का जो फर्स्ट कॉलम है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ये कॉलम में आपको मैरिज प्रेजेंट का अमाउंट लिखना है 50 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 22, परचेस पोस्टल स्टैम्प्स फॉर ₹7। तो डेट 22 बाय पोस्टल स्टैम्प्स परचेस पोस्टल स्टैम्प्स ₹7। तो पोस्टल स्टैम्प्स के लिए राइट हैंड पेज का जो कॉलम है, ये पोस्टल या टेलीग्राम कॉलम, राइट हैंड पेज का जो थर्ड कॉलम है पोस्टल या टेलीग्राम कॉलम, ये कॉलम में आपको अमाउंट कितना है पोस्टल या टेलीग्राम 7। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 24, पेड टू प्रशांत ऑन अकाउंट ₹80। तो डेट 24 बाय पेड टू प्रशांत अमाउंट ₹80। पेड टू प्रशांत ₹80, प्रशांत का जो अमाउंट है, प्रशांत का अमाउंट, ये आपको राइट हैंड पेज का जो लास्ट कॉलम है लेजर, तो लेजर जो कॉलम है इस कॉलम में आपको ये प्रशांत का अमाउंट कितना है 80 रुपीज। पेड टू प्रशांत 80 रुपीज अमाउंट कितना है आपको ये लास्ट कॉलम में लेजर कॉलम में लिखना है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेट 25, डेट 25 टाइपराइटर रिबन परचेस फॉर ₹50। तो डेट इज 25 बाय टाइपराइटर रिबन परचेस अमाउंट है 50 रुपीज। टाइपराइटर रिबन, इसके लिए आपको कॉलम करना है राइट हैंड पेज का जो नेक्स्ट कॉलम है, टाइटल इसका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम, टाइपराइटर रिबन इसके लिए कॉलम किया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कॉलम, टाइपराइटर रिबन का अमाउंट है 50 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है डेट 28, डेट 28 सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर ₹33। सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स फॉर ₹33 By selling old newspapers, amount will be received. By selling old newspapers, 33 rupees will be received. So this 33 rupees, it is to be recorded in the receipt column. Sold old newspapers for ₹33. ये 33 rupees आपको receipt column में लिखना है.
amount of rupees 33, dated 28, to sold old newspapers. Receipt column जो है, receipt column में rupees है 33, dated 28, to sold old newspapers. तो by selling old newspapers, amount will be received. That's why amount is recorded in the receipt column. Next transaction is date 29, subscription to Economic Times, rupees 45. So date 29, buy. Subscription to Economic Times. Date 29, buy subscription to Economic Times. Amount is 45. Subscription to Economic Times. Amount is 45. Subscription, it means contribution. Subscription का meaning है contribution. तो contribution to Economic Times. इसका जो amount है, ये right hand page का जो first column है, miscellaneous expenses. तो miscellaneous expenses column में आपको ये subscription to Economic Times का amount लिखना है. तो miscellaneous expenses column में 45. Last transaction जो है. Last transaction is date 30. Collection from telephone calls, rupees 25. Transaction is collection from telephone calls. Collection it means here again amount will be received. Collection from telephone calls. This amount you have to record again in the receipt column because this much amount you have received. Collection ये जो word है, ये word आपको indicate करता है that 25 rupees you have received from telephone calls. तो collection from telephone calls, this transaction again you have to record in the receipt column. तो receipt column में amount है 25, date है 30. Collection from telephone calls. Date 30 to collection from telephone calls. Amount जो है amount मैंने receipt column में लिखा हुआ है. ये हो गया आपके petty cash book के transactions. तो इस सम के अंदर क्या हुआ है? इस सम के अंदर दो ट्रांजैक्शन आपको रिसीट कॉलम में लिखना है. सोल्ड ओल्ड न्यूज़पेपर्स ये ट्रांजैक्शन रिसीट कॉलम में है. एंड कलेक्शन फ्रॉम टेलीफोन कॉल्स ये भी आपको रिसीट में लिखना है. नाउ द बैलेंसिंग ऑफ द पेटी कैश बुक. अमाउंट कॉलम का पहले टोटल करना है. अमाउंट कॉलम का टोटल आपका है 420. अमाउंट कॉलम टोटल है 420. राइट हैंड पेज पे जो कॉलम्स है इसके टोटल्स कॉलम है. मिसलेनियस एक्सपेंसेस इसका टोटल आ रहा है 159.
कन्वेंस है 46, पोस्टल एंड टेलीग्राम 25, देन कैरिज एंड कार्टेज 36, फ्रेट है 24, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है 50 और लास्ट कॉलम लेजर है 80। राइट हैंड पेज के जो कॉलम्स है इसके टोटल्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस का टोटल है 159, कन्वेयंस है 46, पोस्टिंग एंड टेलीग्राम 25, कैरिज एंड कार्टेज है 36, फ्रेट है 24, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 50 और लास्ट कॉलम है लेजर का 80। रिसीट कॉलम जो है, रिसीट कॉलम का टोटल, रिसीट कॉलम का टोटल 500, ये 33 और 25, 500, 33 एंड 25, तो रिसीट कॉलम का टोटल ये आपका आ रहा है 558। रिसीट कॉलम का टोटल है 558, तो 558 में से आपको माइनस करना है 420, 558 में से आपको माइनस करना है 420 को माइनस करना है, तो डेट कॉलम में अप्रैल का लास्ट डेट है 30 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, अप्रैल का लास्ट डेट है 30, पर्टिकुलर्स में लिखा है बाय बैलेंस कैरिड डाउन 558 जो है, ये 558 में से माइनस करना है 420 को माइनस करना है, तो बैलेंस आपका आएगा 138, 558 में से माइनस किए ये 420 माइनस किए तो बैलेंस कैरिड डाउन आपका आ रहा है 138, टोटल जो है 420 और 138, ये दोनों का टोटल 558। ये दोनों फिगर का टोटल ये आपका आ गया 558, तो रिसीट कॉलम का टोटल 558, ये सेम लाइन पे अमाउंट कॉलम में आना चाहिए, रिसीट कॉलम का टोटल 558 सेम लाइन पे ये अमाउंट कॉलम में आना चाहिए, तो 558 में से माइनस किए 420 माइनस किए बैलेंस कैरिड डाउन आ गया 138, देन आफ्टर भी ये बैलेंस को ब्रॉट डाउन करना है, अप्रैल जाने का नेक्स्ट मंथ कितना है, मई 1st, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन मई 1st, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है 138, ये बैलेंस कैरी डाउन 138, इसको आपको रिसीट कॉलम में लिखना है, मई 1st, 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन रिसीट कॉलम में 138, अगेन डेट 1, 2 बैंक अकाउंट डेट 1, 2 बैंक अकाउंट, आपने सम जो है, सम यहां पे हमने स्टार्ट किया था 500 रुपीज से स्टार्ट किया है, पेटी कैश बुक का जो प्रॉब्लम है ये हमने 500 रुपीज से स्टार्ट किया है, तो फ्रॉम दिस 500 नाउ यू हैव टू सबट्रैक्ट 138, 500 रुपीज में से आपको 138 माइनस करना है, द रिमेनिंग अमाउंट इज डेट 1 टू बैंक, तो अमाउंट आएगा आपका 362। अप्रैल 1st को हमने सम स्टार्ट किया था 500 रुपीज से स्टार्ट किया है, अप्रैल 1st को सम स्टार्ट किया था 500, तो 500 रुपीज में से आपको माइनस करना है 138, तो 500 में से 138 माइनस किया है तो रिमेनिंग अमाउंट आपका आ गया 362, तो 138 एंड 362 ये दोनों का जो टोटल है, ये टोटल आपका फिर से ये 500 रुपीज से सम स्टार्ट हो गया, तो मई 1st को बैलेंस ब्रॉट डाउन है 138 एंड मई 1st को अगेन टू बैंक अकाउंट का अमाउंट है 362, तो
तो 138 एंड 362 ये दोनों का जो टोटल है, 138 एंड 362 ये दोनों का टोटल आपका ये 500 रुपीस है। अगेन आपका इन द मंथ ऑफ मे, अगेन द सम ऑफ द पेटी कैश बुक इज स्टार्टेड